बुंदेलखंड के दिग्गज शिक्षित अग्रणी राजनेता राजनारायण बुद्धौलिया उस रज्जू महाराज का हृदय गति रुकने से हुआ निधन। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा शर्मा। आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। हमीरपुर जनपद मेराठ कस्बे के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व सांसद व पूर्व विधायक राजनारायण बुद्धौलिया और रज्जू महाराज का आज तड़के हृदय गति रुक जाने से अचानक निधन हो गया। राजनारायण बुद्धौलिया के निधन की खबर सुनकर पूरे कस्बे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई तथा राठ क्षेत्र के लोगों की उनके भटियाना स्थित आवास में भीड़ उमड़ने लगी। आपको बता दें कि राजनारायण बुद्धौलिया का जन्म 10 अप्रैल 1961 में राठ कस्बे में हुआ था तथा राजनीति में कदम रखने के बाद राजनारायण बुद्धौलिया निर्दलीय और समाजवादी पार्टी से कई बार चुनाव में परास्त हुए, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा तथा वर्ष 2004 में वह समाजवादी पार्टी से हमीरपुर महोबा लोकसभा संसदीय सीट चुनाव जीतकर सांसद बने तथा इसके बाद उन्होंने सपा का दामन छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए और वर्ष 2012 में बसपा के टिकट पर महोबा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके अलावा वह राठ में रामलीला सांस्कृतिक समिति के भी अध्यक्ष पद रह चुके थे तथा वर्तमान में वह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद पर थे। वहीं पूर्व सांसद व विधायक के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर देखी गई तथा क्षेत्र के सभी पार्टियों के राजनेताओं ने उनके आवास में पहुंचकर परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की तथा इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से राजनारायण बुद्धौलिया के निधन पर दुख जताते हुए शोक व्यक्त किया। वहीं राजनारायण बुद्धौलिया की शव यात्रा में हजारों लोग सम्मिलित रहे। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ हमीरपुर से आशीष निगम की रिपोर्ट।